अहमद मीर जो कि पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है कि दुनिया के बड़े बड़े जो थिंक टैंक हैं, यूएसए के, इंडिया के जो थिंक टैंक हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में सिचुएशन है, कुछ ही टाइम में पाकिस्तान 4 टुकड़ों में फिर से तकसीम हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर यही मैं कहना चाहूँगा, छोटी सी बात आप मेरी सुन, ये प्लानिंग थी, ये बहुत अच्छी प्लानिंग कर चुके हुए थे। कौन है? कौन जिन्होंने जो कह रहे हैं? जो कह रहे हैं ना, वो प्लानिंग कर चुके हुए थे कि इनको 4 टुकड़ों में तकसीम कर देता। भारत कब से कह रहा है, समझ रहे हैं ना? तो वो खाता जो है ना, वो क्लोज हो चुका हुआ, अब कुछ भी नहीं हो सकता। हो जाना था ये, अब की मैं बात बता रहा हूँ। ये मैंने रिसेंटली अभी भी एक थोड़ी देर पहले मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, उसमें भी एक नजूमी, एक समय लेके नजूमी आद के हवाले से वो बता रहा था कि ये था तासुर, अब नहीं है। कैसे नहीं है? ठीक है, वैसे तो ऐसे पाकिस्तानी मैं भी ये चाहूंगा कि पाकिस्तान टूटने की बजाय जुड़े, पाकिस्तान में यूनिटी आए, लेकिन इस टाइम बलूचिस्तान में आपको पता है क्या आवाजें उठ रही हैं। आपको इसके अलावा अगर आजाद कश्मीर की बात करें, वहां पे क्या आवाजें उठ रही हैं? गिलगित बल्तिस्तान में क्या आवाजें उठ रही हैं? सिंध में जो है वो सेपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई है। यार ये जो चीजें आप बता रहे हो ना, ये पढ़ी लिखी बातें हैं, ये लोगों को पता है ये होनी थी। ये जो सिचुएशन है ना, इस टाइम के ऊपर कोई भी होगा ना, वो बाहर से बैठा होगा, आप भी सोचोगे यार ये हो सकता है लोड लैदा हो जाए, हो सकता है पंजाब लैदा हो जाए, सिंध लैदा हो जाए, पर वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट की जा रही थी वो, और उसी तहत पे ऊपर ये एक जाहिर सी बात है, कोई भी काम करना होता है उस पर पूरी थ्योरी होती है, तो वो थ्योरी चल रही थी। अब वो थ्योरी क्लोज हो चुकी है, क्योंकि इसका जो हमारा पाकिस्तान बना था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमे पर बना हुआ है, तो ये कोई भी इसको अलहदा नहीं तोड़ नहीं सकता, ना टुकड़ों में तकसीम कर सकता है। ठीक हो गया, अच्छी बात की आपने। लेकिन 1947 में पाकिस्तान बना कलमे के नाम पे, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश अलहदा हो गया, तब भी तो कलमे के नाम पे वो था सर, कलमा। वो हमने खुद किए हैं, वो कोई आम कोई ताकत आगे कर नहीं सकती। तो अभी भी जो ये लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो कौन सा कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान, यार अब होने के लिए कुछ लैदा रह नहीं ना गया, वो जीरा टाइप था, वो दूर था, वो पाकिस्तान से बिल्कुल लैदा था, इसलिए उन्होंने वो लैदा कर दिया कि यार एक चीज खत्ते में है ना, उसको संभालना भी आसान है और उसको कैरी करना भी आसान है, तो वो आधी फौज उधर हो आधी फौज उधर हो, तो हमारे जो है हमारे स्टेट है, एंटी स्टेट है, उन्होंने यही सोचा कि यार इसको लैदा कर लिया जाए। अब डीपली नहीं जाते उस टाइम के ऊपर क्या क्या हुआ था, नहीं आप बताएं क्या क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएं हम क्या, आप क्या समझते हैं उस टाइम पे जिम्मेदार, हम जो पाकिस्तान की बुक्स में लिखते हैं पढ़ते हैं कि इंडिया की वजह से बांग्लादेश लैदा हुआ, ये गलत है, ये गलत है, जो चीज गलत है वो गलत है, वो हमारी वजह से ही हुआ था। अब आपको पता है कि मैं अभी नाम लूंगा तो मुझे भी उठा लेंगे। आप मोहम्मद अली जिन्ना से ले लें और बेनजीर तक, कौन मारने वाला यार, इनका पता क्यों नहीं चलता जो मार के जाता है? हमारी ISI एजेंसी जो है पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है, तो वो कहाँ एजेंसी है? तो इनको सब पता है ये, क्योंकि ये एजेंसियों का ही काम होते हैं सर। अल्लाह ना करे पाकिस्तान का कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है, तो फिर हम जिम्मेदार अपने आप को ठहराएंगे? अल्लाह ना करे अगर ऐसा होता है तो। हो नहीं ना सकता, ये कर नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। उसकी रीजन ये है कि जिन्हों जिनके हाथ में इस टाइम डोरी है ना, उनको पता है हमने खाना कहाँ से, जजीरे कहाँ से बनाने हैं, यही लैदा हो जाएगा तो भाई एड कहाँ से आएगी? तो लोग जब उठने लगे हैं, लोग प्रोटेस्ट करने लगे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। 2-3 को मारेंगे, 4-5 वैसे बैठ जाते हैं। अभी इमरान खान को ले लो, 2-3 को मारा है, मार के और कान पट्टी पे बंदूक रख के पार्टी छुड़वाई जा रही है। हमारी तकरीबन आबादी है 24-25 करोड़ की, इंडिया की आबादी है 1 अरब 40 करोड़ 45 करोड़ के राउंड अबाउट है। ठीक है, हम भी यहाँ से कभी खालिस्तान की बात करते हैं, कभी किसी की बात सुनते हैं कि ये मूवमेंट चल रही है, वो आज तक वहाँ पे इतनी बड़ी आबादी को उन्होंने कैसे मैनेज किया हुआ है? हमारे से 24-25 करोड़ 23-24 करोड़ की आबादी मैनेज क्यों नहीं हो रही? उनका सियासतदान कहलाया जाता है। ठीक है, पॉलिटिशियन जो है ना, उनके पॉलिटिशियन कहलाए जाते हैं। हमारे तो जो पॉलिटिशियन है वो तो कहते हैं जी ये तो बैसाखियों पर आए हुए हैं, कभी भी उतर सकते हैं, इसको तो फलाना लेके आने वाला है, इसको तो वो डिंगरा लेके आने वाला है, तो उसकी क्या औकात होगी? तो बेसिकली मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि अगर होना होता ना तो ये कब का कर देना था उन्होंने, जिन्होंने करना है ना ये काम, उन्होंने कब का कर देना था। अब वो इतने तो है नहीं कि यार एक रोटियाँ लगी हुई हैं हमारी और उन रोटियों को हम तोड़ना छोड़ दें। की आप बात कर रहे हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो अगर नहीं भी चाहेंगे, पब्लिक में से अगर आवाज उठने लगेगी कि भाई हमें, यार पब्लिक की तो औकात ही कोई नहीं रहेगी भाई, पाकिस्तान में क्या औकात है भाई, ये सारा दिन बैठा हुआ, लाखों रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है मेरा, 30-35 लाख रुपया अभी तक मैं नुकसान कर चुका हूँ, कोई 12-14 लाख रुपया मेरे पे कर्जा है, तो क्या कर लिया हमने? यानी
आपने 30-35 लाख का इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस स्टार्ट किया, लाख रुपया दिन का जो सा वो इस तरीके से आप वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और लेकिन आपको इनकम नहीं है भाई। 1500 रुपए की सेल है, मेरे 4 बच्चे हैं घर में, आटा 150 रुपए केजी आटा है भाई, 600-700 रुपए किलो घ्यो है, 300 रुपए किलो 300 रुपए लीटर है पेट्रोल है, तो किस तरह मैनेज करेंगे? आने जाने में तो 300 का पेट्रोल गया। कहते हैं कोई भी कंट्री है, अगर वो डेवलपमेंट की तरफ जाता है, अगर वो बेहतरी की तरफ जाता है, तो सबसे पहली शर्त यह है कि उसमें एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो। सबसे पहली शर्त यह है कि वहाँ पे जो तालीम का निज़ाम है, वहाँ पे अवेयरनेस का जो सिस्टम है वो बेहतर हो। आपको लगता है पाकिस्तान में एजुकेशन का सिस्टम बेहतर है? जो बंदा करना चाह रहा था उनको तो उन्होंने उतार दिया। अभी एजुकेशन का सिस्टम बेहतर है? एजुकेशन ओ यार कहाँ है भाई। भाई हमारे दौर के अंदर 3 बुकें होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी मैं 3 क्लासें पढ़ा हूँ, तो मेरी आपको वे ऑफ टॉक से नहीं लग रहा होगा मैं 3 क्लासें पढ़ा हूँ। वो 3 किताबें होती थी, 3 बुक्स होती थी और 3 कापी होती थी, मैथ इंग्लिश उर्दू। अब भी स्कूलों के अंदर 15-15 कापियाँ हैं, वो होमवर्क करने बुक्स हैं, तो वो मुझे नहीं लगता बच्चा बाहर आता तो वो ABC बुला होता। हमारा जो तालीम का जो सिस्टम है ना, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई पूछने वाला ही नहीं है ना, वो आप कई अपने गवर्नमेंट में स्कूल में चले जाएँ उधर भी कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये एग्जाम्पल देने लगा हूँ, छोटी सी बात, मैं बात काट रहा हूँ बीच में, इस बात के ऊपर दोबारा आता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। एक बंदा जो आपका हुक्मरान है वो अनपढ़ है, अगर वो चाहेगा, एक घर का फर्ज है, एग्जाम्पल है, जो खार है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि यार है, मैं कल दा बाल है मेरे नाल आके खड़ो जाए, एजुकेशन दी जाए। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ कि मतलब हमारे शायद लीडर ही नहीं चाहते भाई। मैं गांव चला जाता हूँ ना, MPA के घर में जाऊँगा ना, तो वो बेचारे वो गांव वाले ऐसे बैठे होते दरवाजे के पास, ठीक है कि यार साहब नु मिलना है, यानी कि जो कुछ करना है इन्होंने ही करना, इन्होंने करना साहब नु मिलना है। और यार तुम लोग भी साहब बन सकते हो, वो बनाना ही नहीं चाहता। हमारे देहाती इलाकों में भी इतनी एजुकेशन है ही नहीं, पढ़ने का निज़ाम ही नहीं है, पढ़ाने का निज़ाम ही नहीं है। अगर है जहाँ पे वो इतना कॉस्टली है, आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इस महंगाई के दौर में चेंज कैसे आएगा, बेहतरी कैसे आएगी, ये पाकिस्तान को बेहतर डगर पे, बेहतर लाइन पे, बेहतर डायरेक्शन पे कैसे लेके जा सकते? यार सबसे पहले कानून की बालादस्ती, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन, लॉ होना चाहिए और हर बंदे के लिए होना चाहिए। जितना भी बड़ा, जितने भी बड़े ओहदे पे है, 18 ग्रेड का है, 22 ग्रेड का है, उसके लिए भी लॉ हो ही होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? इक्वालिटी होनी चाहिए हर बंदे के लिए, ला वजीर आजम के लिए भी वही ला। यहाँ पे उसकी पंजाब में हुकूमत है, वो अपनी FIR नहीं कटा सकता, तो वो उसको तो इंसाफ नहीं मिल रहा, उसकी वो FIR नहीं कटा सकता, तो मैं किस तरह FIR कटा। मैं और आप क्या चीज़ है, दुनिया की जो कंट्रीज डेवलपमेंट की तरफ गई हैं, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की पब्लिक की राय ली जाए, ओपिनियन ली जाए, कि जो भी कंट्री, अगर चाइना की बात करें, अगर इंडिया अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, किस बेस पे जा रहा है? बेसिक मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, चाइना की आपने बात की, चाइना के अंदर जो करप्ट पॉलिटिशियंस थे ना, उन्होंने गोलियां मारी थी, उनको सर पे गोलियां मारी और पैसे भी उनसे घर से लिए, कि ये पैसे जो गोली जाया हुई ना गवर्नमेंट की, इनके घर से लें पैसे। तुम्हारे पॉलिटिशियन करप्ट हो गए, वो चोरियां करके बाहर फ्लैट बना लेते हैं, वो उसी पर बात आ जाती है कि जो बंदे को गोली बजेगी उसको समझ आ जाएगी यार इसका ये असर हुआ है, मैं ये हरकत ही ना करूँ। अब सऊदीया में चले जाएँ, हाथ काट दिए जाते हैं चोरी करने पर, वही कानून है हमारा, वही इस्लाम है, इस्लाम के बुनियाद के ऊपर भी पाकिस्तान बना था। मैं जिसे भी इंटरव्यू करता हूँ वो यही कहता है कि इस्लामी सिस्टम आएगा तो ही पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पे बना है। हम हर लफ्ज में अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, इंशाल्लाह, पाकिस्तान, इस्लाम, ये चीज लाते हैं, प्रैक्टिकली कहाँ पे नजर आता है? और इस्लाम को हम नाफज क्यों नहीं, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते, शरी निज़ाम क्यों नहीं लाते? मुझे ये बताओ कि हमारी अदालतों में इतने ज्यादा केसेस लटके हुए हैं, बाहर की दार तो 24 घंटे में केस सुनवाई खत्म। नहीं, मेरा सवाल जो था उसका जवाब दें कि हर बंदा हर बात में ये कहता है इंशाल्लाह पाकिस्तान में मुसलमान है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये यार देखो मेरी बात सुनो, जब हम ये रोटी कपड़े मकान से बाहर निकल आएंगे ना, ठीक है, सोच अपनी बड़ी, सोच हमारी बड़ी गल यार, अभी भी तो नहीं ना खा रहे, तो लिख लो बाहर यार, इनको खत्म करो, करप्ट रोले को जो भी ये इसके आ रहे आता है ना इस कानून के, उसको खत्म कर दो। अगर आप चाहते हो कि मेरी साथ पूछते जो हैं वो सुकून से रहें, मैं तो चलो मर गया, मेरी पता नहीं 10 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 35 साल मेरी एज हो गई है, तो मेरी जो पीछे आने वाली नस्ल है वो तो कम से कम सुकून से गुजारे। तो ये हमें आपको सबको निकलना पड़ेगा अपने हाथ से, हमारे से बाद में बना, वो कहां से कहां चला गया अफगानिस्तान यार, उन्होंने उनकी गवर्नमेंट आम आवाम को सपोर्ट करती है भाई, उनको आसान कर्जे देती है बगैर सूद के, हम तो खुद सूद पे चल रहे हैं,
हम तो IMF से सूद पे पैसा लेते हैं। सूद हराम है इस्लाम में, आपको पता है ना तो भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मतलब पाकिस्तान हराम के पैसों पे। देखे बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन बात आप क्या इसे डेफिनेट है यार, हकीकत है। क्यों वो कह रहा था कि मैंने IMF के प्रोग्राम में नहीं जाना, कहा था ना उसने, इसी वजह से कहा था कि यार वो है ही हराम है, पर गया था कहता यार आप सिचुएशन ऐसी है कि मुझे उसके बगैर गुजारा नहीं है तो डिफॉल्ट हो जाए, फिर हराम खा लिया। बड़ी अफसोस वाली बात अब है। बात ये है कि एग्जांपल है कि उसको ना चारों गिरफ्त ना घेर लिया गया हुआ, एक बंदे को चारों तरफ उन्होंने यार उत्ते भी मौत थले भी मौत, तो मैं तो रह गया कि यार मैं पब्लिक के बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ, पब्लिक की बेहतरी फिर भी नहीं हुई, पाकिस्तान फिर भी जो है इस टाइम बहुत बुरी कंडीशन में है, डॉलर का रेट क्या है वो सबके सामने है, ये चीजें देख के दुख होता है हर पाकिस्तानी को, जो पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है, दिल रखता है, उसे दुख होता है। लेकिन चेंज भी हम ही लाएंगे, अगर हम पाकिस्तान की पब्लिक में अवेयरनेस नहीं लाएंगे तो शायद चेंज नहीं आएगा, एग्री करते हैं इस बात से यार? ये हकीकत बात है यार, हमारे दौर में अभी इस जो दौर चल रहा है जहालियत का दौर चल रहा है पाकिस्तान में या ओवरऑल जहालियत है इधर यार। हाँ। जो बंदा सही बात कर रहा हो कहना है तो पागल है, ये गद्दार है, ये कहते हैं ये गद्दार। अब मैंने एक छोटी सी बात बताई है कि पुट्टो से लेके आप लियाकत अली खान को किसने मारा, उसकी गोली किसने मारी, बताए मुझे आज तक पता चला? बाद में जनरल वो जो मैं बात कर रहा हूँ पुट्टो को मारा गया फांसी, वो जजों ने माफिया क्यों मांगी थी कि जी हमें कनपट्टी पर रख के? अब यार बात हकीकत बात है, जो हकीकत है ना वो बयान करनी चाहिए, मरना जिंदगी की मौत अल्लाह ताला के हाथ में यार, सच बोलना चाहिए, सच बोलना, सच बोलेंगे अपनी गलतियों को मानेंगे तो ही हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। शुक्रिया, हम भी यही चीज का दर्श देता है भाई जी। सलाम भी हम फॉलो नहीं ना करते, हर बात में इस्लाम को ले आते हैं, बड़ी जल्दी इस्लाम को बीच में ले आते हैं, फॉलो नहीं हम करते। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, सच बोला ना मैंने झूठ तो नहीं बोला आपको, मैंने जो पढ़ा, जो मैंने सुना, जो मैंने अपने मीडिया पे सुना, जो मैंने पुरानी वो अखबार निकाल के नेट पे पढ़ी हुई है, मैंने वो जो देखा मैंने वो बात की। ठीक हो गया, 1971 में क्या क्या हुआ आज भी अखबारों में मौजूद है, इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को रिकॉर्ड कर चुका है। ये तो फिर सीधी सी बात है, वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा वो सारे झूठे हैं, हम अकेले सच्चे हैं। ठीक हो गया। तो यार हकीकत है, जो हकीकत है ना इस टाइम आवाम को अपना फैसला खुद करने दे, बड़े फैसले कर लिए 75 सालों से आपने, बस कर दें यार हमारी भी कुछ, एक बार तो हमारी तो मान के देखें। ठीक है, नेबर से रिलेशन बेहतर होने चाहिए, यानी कोई भी नेबर वो यार, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो हमारा ईरान अफगान, तो यार वो हमसे बहुत बेहतर है, उनकी कानून बहुत अच्छा है। हम कहते हैं ना तालिबान, मैं कहता हूँ उनका कानून ही बहुत अच्छा है। तो अगर इधर ऐसी हुकूमत आ जाए तो मैं तो कहता हूँ रात दिन ना चले होने आई है तालिबान की हुकूमत यहाँ। ओ भाई उससे इससे हालात बेहतर होंगे यार, बड़ी मतलब बड़ी स्टेटमेंट। वो इस्लाम के ऊपर है यार, वो अपने हक के ऊपर है। देख कितने अरसा जो है वो लड़ते रहे जीते, आहर कर हक की जीत होती है, बातल की जीत नहीं होती। तो वो कौन थे, क्या थे, वो पाँव नंगे बेचारे, ना शूज ना कोई वर्दी हैं, इनके पास तो सारा कुछ था। इससे क्या जाहिर मैसेज आता है कि हक की जीत होती है, हक की जीत होती है। इंडिया पाकिस्तान में कितनी जंगे, कई चार जंगे हो चुकी, हम जीते कितनी वो जीते, उनके पेपरों में तो वो सारी जीते हैं, आपके पेपरों में बताएं, आपके कागजों में, आपकी डॉक्यूमेंट्स में कौन कितनी जीता? हम तो मेरे हिसाब से तो हम एक ही जीते हैं, मैंने जो सही सुना हुआ है, बाकी तीन वो जीते। तो इसका क्या आपने बोला जो हक पे होता है वो जीता? देखो हक पे, अब हक पे हम जीते हुए हैं, बीच में क्यों दगा कर दे कि भाई नहीं करना। कारगिल में क्या हुआ था आपको नहीं पता? बताए ना यार, सबको पता है कारगिल में क्या हुआ था। फोन आया था कि जी नवाज शरीफ साहब ने क्या थी वापस, कितने फौजी मर गए थे, कौन थे वो? वो आम आवाम थी, वो ये तो आज भी जिंदा। ठीक हो गया, चले गाली तो नहीं हम देंगे। और ये गलत है जो बंदा अपने केसेस के सामना नहीं कर रहा, चार साल से भगोड़ा बना बैठा हुआ। और यार तू मेरा लीडर है ना, तो पाकिस्तान में आ, तुम लोग पेट में दर्द होता है तो भाग के तुम लोग बरतानिया चले जाते हो, कि वहाँ पे वो आपके ज्यादा सके हैं, मरने के लिए आप कहते हो कि पाकिस्तान में जमीन चाहिए, एशियों के लिए आपको वो चाहिए। वो चाइना के एक अंदर बंदा चलाया ना, बिजनेसमैन था, उसने बिजनेस उसने किया और बड़े सारा कुछ करके ना, तो उसने कहा हराम गोश दिया उसको, कहता ये नहीं मैंने बोला, पाकिस्तानी बंदा चला गया, उसने कहा ये तो हराम है, तो उन्हें कहा जरा तू काम करन दे तो हलाल करन दे। दो नंबर ही हम करेंगे, बेईमानी हम करेंगे, लेकिन गोश्त हराम नहीं खाएंगे, वो हराम है, हराम है। तो ये बात है, शराब पियेंगे लेकिन वो है कि वो चीजें जो सी हैं वो। अच्छा लगा बात करके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। क्या करते हैं?
मेरा ये फूड पॉइंट है। फूड पॉइंट है जबरदस्त। जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन है, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है और गुजारा हो रहा है अच्छे तरीके से? बहुत मुश्किल हुआ हुआ है क्योंकि बिजनेस प्रॉपरली जो भी है माइनस हुए पड़े हैं इस वक्त। पॉइंट है आपका, कौन सा फूड आप दे? ये इस पे मिंट मार्गरीटा लगाते हैं साथ सोडा, लेमन सोडा। मिंट मार्गरीटा का एक जो ग्लास है क्या प्राइस है? 120। फिर तो मुनासिब है, नॉर्मल है यहाँ पे, मतलब जो इस मार्केट के हवाले से। टॉपिक के ऊपर आते हैं जो इस पे आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान की कंडीशन को देखते हुए आपको लगता है कि दोबारा, अल्लाह ना करे कि 1971 में जिस तरीके से पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, अपना जो बांग्लादेश है वो लैदा हुआ पाकिस्तान से, बंगाली लैदा हुए, आज भी ऐसा हो सकता है? अल्लाह ना करे। नहीं, ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो करंट स्टेशन है ना, ये हमें जो मुल्क मिला है कलमे पे मिला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। अब हमें बेहतर मुल्क को करने के लिए इधर इस्लामी निज़ाम लाना चाहिए। मुल्क तरक्की फिर करेगा जब इस्लामी निज़ाम होगा, ठीक है। यहाँ गरीब जो है वो रोटी के पीछे भाग रहा है। मुझे आप एक जनरली बताएं कि यहाँ पाकिस्तान में अगर किसी की अच्छी सैलरी है 40, ठीक है, 45, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं है। 40,000 में अच्छी सैलरी, 40,000, 45,000 है, ठीक है। चाहे बैंक में चले जाएँ, चाहे किसी भी महकमे में चले जाएँ, ठीक है, ऊपर तो जो है उनको ज़रूरत ही नहीं है सैलरी लेने की, इतने वो हाई फाई हैं। लेकिन जो मुझे आप एक बात बताएं, 45,000 में कोई बंदा सर्वाइव कर सकता है? मुश्किल है, जो इस टाइम कंडीशन है, जो भी कंडीशन है। आप देखें कि घी कितना महंगा है, 600 kg घी है, ठीक है। एक आटा ले लें, 150 आटा है, ठीक है। जो ये बुनियादी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, 220 जो है ना, 100 दूध हुआ है, ठीक है, और 200 रुपये लीटर दूध है, ठीक है। तो मुझे बताएं कि जो बंदा 40,000 या 45,000 रुपये ले रहा है वो बच्चों